बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मेन जो इस वक्त मामलात मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में क्या हमको खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, उसके बारे में कोई डिटेल या आपके साथ बात होगी। ये भी आपको बता दूं, जो ऑफिशियल है वो हमारा अब जो ग्रुप बन चुका है सिल्वर, और जो सिल्वर ग्रुप और जो प्रीमियम था उसका नाम सिर्फ चेंज किया है, बाकी सर्विसेज तमाम वही हैं। प्रीमियम ग्रुप कन्वर्ट हो गया है गोल्ड में, और इसके साथ साथ जो गोल्ड प्रीमियम ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया है डायमंड ग्रुप में। ठीक है, इन तीनों ग्रुप में आना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर सर आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों देखें, अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बाज़ दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं, भाईजन लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो के में जो स्टॉक रखें वो बताएं, कोई लॉन्ग टर्म के लिए गाइड करें। तो दोस्तों देखें, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का टाइम था जब मार्केट 40K पे थी, काफी ओवरसोल्ड, और जो खबरें आनी थी जितना बिगाड़ पैदा होना था वो उस वक्त हो चुका था। तो हर उस जो कि एक एक्सट्रीम लेवल पे एक बिगाड़ होता है या अच्छी खबरें होती हैं तो उनके एक पीक लेवल्स होते हैं, उन पे एक डिसीजन हमने लेना होता है कि अब कैसे चलें। तो 40K पे वो एक्सट्रीम लेवल था जब मामलात इंतहाई खराब हो चुके थे और रेट बहुत नीचे आ चुके थे। जैसे बैंकों के देखे 80-90 रुपए पे रेट था UBL का, HBL का, तो इससे भी नीचे 50 पे भी आ चुका था, MCB 80-100 का, इस तरह करके रेट आ चुके थे सब बैंकों के। और छोटे जैसे बैंक अल्फला है, फैसल बैंक है, दूसरे दिशे, ये 15-15, 20-20 रुपए पे आ चुके। तो उस वक्त धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट डालने का टाइम था और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाने का टाइम था, 2-3 साल के लिए या 5 साल के लिए। तो अब देखें, जिन्होंने उन टाइम पे चीजें पकड़ी हैं, जिन्होंने हमारी, क्योंकि हम देखें 40 पे इंतहाई बुलिश थे और सारी दुनिया नेगेटिव थी कि मार्केट तो 35 पे आ जाएगी, 30 पे आ जाएगी, इस तरह की काफी बातें हो रही थी। लेकिन उस वक्त हमने आपका हाथ थामा और हमने आपके जो पोर्टफोलियोज थे वो भी कहा कि आप भाई इसको रखें, इंशाल्लाह ये सब चीजें बढ़ेंगी, बल्कि और पैसा डालें मार्केट में, और पैसा बनेगा तब जब इस लेवल पे पैसे को डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक वीडियो में आपके सामने ऑडियोज भी कुछ दोस्तों ने जो हमारे साथ शेयर किए थे अपने एक्सपीरियंस, जो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, कि हम आपके साथ अटैच हुए और हम देखा, उसके बाद उन्होंने फिर बताया कि सब कुछ ये हम उस वक्त एक मजाक समझते कि जैसे 40 पे जब इतनी नेगेटिव खबरें फैली हुई थी मुल्क के डिफॉल्ट होने के डर से, उस वक्त आपने हमको बताया और हम अच्छे प्रॉफिट्स में भी आए और हमने पैसा भी कमाया। और आप तमाम दोस्त भी जो हमारी उन दिनों में वीडियोस देखते रहे हैं वो सब गवाह होंगे, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा जो जो दोस्त जब 40-42 पे हम आपको बता रहे थे मार्केट के एनालिसिस के बारे में और चीज़ों के बारे में बता रहे थे, आप तमाम दोस्त गवाह होंगे जो जो ये वीडियोस देखते रहे सुनते रहे, कमेंट्स में जरूर इसका इजहार कीजिएगा। तो दोस्तों उस वक्त टाइम था लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियोज बनाने का, चीजें रखने का, जो हम भी आपको गाइड करते रहे। अब देखें मार्केट डबल से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, 40 का डबल लगाएं 80,000 बनता है, 80,000 से भी 15 ऊपर चला गया। मार्केट में कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि ओवरबोर्ड है। जिनको अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक करना है, जब प्रॉफिट बुक करेंगे सेलिंग आएगी, मार्केट नीचे जाएगी, और उनमें सेलिंग आएगी जो ओवरबोर्ड है। लिहाजा आपको भी जिसमें ओवरबोर्ड टेरिटरी में मूव कर रहे हैं उनमें प्रॉफिट आ रहा है, आप भी बुक करें। अभी पोर्टफोलियो का ना सोचें, चाहे कोई अच्छा स्टॉक है, चाहे हल्का है, कोई किसी तरह का भी है, आप उनमें प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें, आपको नीचे फिर मौका मिलेगा इनको मिलने का। और जो ओवर सोल्ड है, यानी कि जो अभी इतना बड़े ही नहीं है, जिनकी बारी नहीं आई सही चलने की, उन चीजों को आप पकड़ें, और स्ट्रॉन्ग अच्छी चीजें भी हो जो कि आपको अच्छा मौका भी दे सकें, जैसे ILP देखें, निशात मिल देखें, उसके बाद आप फीड कॉरपोरेशन देखें, ठीक है ना, होंडा कार वगैरह देखें, गंदारा ऑटोमोबाइल देखें, या फिर और भी काफी हैं आइटमें जो कि ओवरसोल्ड, आप उनको देखें, वो आपको दोबारा से इंशाल्लाह ताला अच्छा मूव दे सकती हैं। अच्छा, 3 स्टॉक आपके लिए निकाले हैं जो सेफ साइड हैं, थोड़े बड़े भी हुए हैं लेकिन ये फिर भी सेफ हैं चूंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर करेक्शन में थोड़ा बहुत नीचे भी जाते हैं तो ये दोबारा जल्द रिकवर होने वाले स्टॉक हैं। ये कौन से हैं जी? एक है मारी पेट्रोलियम, दूसरा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, FFC और तीसरे पे अटक रिफाइनरी। तो ये अभी आप थोड़ा लॉन्ग के लिए रख सकते हैं,
क्योंकि ये सेफ साइड स्टॉक्स हैं ये वाले, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड वगैरह भी देते हैं, और जब थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो बहुत बड़ा बायर आना शुरू हो जाता है इनको बाय करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह की मजीद आइटमें चॉइस करें, अगर हमारी जहां पे जरूरत पड़े तो नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज करके आप हमसे डिटेल वगैरह पूछ सकते हैं और आपको फर्दर भी गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल, कॉल खरीदना है बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद।